प्रधानमंत्री की मुहिम आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के पहले अमृत सरोवर योजना का रामपुर में उद्घाटन किया गया, जिसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की। दोनों मंत्रियों ने अमृत सरोवर में नौका विहार का आनंद लिया। नाव में बैठकर उन्होंने सरोवर का चक्कर लगाया। इसके बाद उन्होंने ठेले पर जलपान किया। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जल शक्ति स्वतंत्र देव सिंह ने अमृत सरोवर के उद्घाटन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी का प्रयास यहां के अधिकारियों का प्रयास है। यहां के लोगों ने मिलकर इस कूड़े के ढेर को हटाया और एक अमृत महोत्सव के रूप में विकसित किया। आज पीएम मोदी का सपना पूरा हुआ है। मुख्तार अब्बास नकवी जी का प्रयास, यहाँ की हमारे अधिकारियों का प्रयास, यहाँ के समाज के लोग लग कर इस कूड़े के ढेर को हटाया और एक अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया। आज आदरणीय मोदी जी का सपना और एक देश का प्रधान सेवक पटवाई गांव के लोगों को मन की बात में पटवाई के सभी लोगों को, अधिकारियों को, आदरणीय नकवी जी को और यहाँ के लोगों को, यहाँ के विधायक जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के अधिकारियों को, जन सामान्य लोगों को अभिनंदन दिया, बधाई दिया। उत्तर प्रदेश के तरफ से मैं आदरणीय मोदी जी को भी हृदय से उनका स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ और आज उनके सपनों को साकार होता अपनी आँखों से हम लोग देख रहा हूँ और उत्तर प्रदेश में इसी तरह और इसी प्रकार भव्य अमृत सरोवर प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक गांव में कैसे बन सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करें। वही केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अमृत सरोवर के उद्घाटन के पश्चात मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने देश के पहले अमृत सरोवर का शुभारंभ पटवाई रामपुर में किया और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा और संकल्प से साकार हुआ। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर जहां एक तरफ पर्यावरण की रक्षा करेगा और जल संरक्षण का काम करेगा, वहीं स्थानीय लोगों के आकर्षण का भी केंद्र बनेगा। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने देश के पहले अमृत सरोवर का शुभारंभ पटवाई रामपुर में किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रेरणा और संकल्प था और मार्गदर्शन था, वो साकार हुआ है। ये अमृत सरोवर जहाँ एक तरफ पर्यावरण की रक्षा करेगा, जल संरक्षण का काम करेगा, वहीं स्थानीय लोगों के आकर्षण का भी केंद्र होगा। और उत्तर प्रदेश में जो जल शक्ति मंत्रालय है स्वतंत्र देव जी का, हर जिले में इस दिशा में बहुत युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अमृत सरोवर के बारे में अपनी मन की बात में देश को बताया भी और अमृत सरोवर की दिशा में जिन लोगों ने प्रयास किया उनको बधाई भी दी और उनका स्वागत भी किया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।